वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश के गुना जिले से आ रही है, जहां काला जंगल गेंदवर्रा के हथनापुर गांव के करीब 250 बीघा वन भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। वहीं वन विभाग की वन भूमि को ट्रैक्टरों से जोतकर कृषि के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी के चलते तहसील बमोरी के ग्राम फतेहगढ़ में 700 बीघा भूमि पर पेड़ों को काटकर अवैध मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग के अधिकारियों द्वारा ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, पर्यावरण प्रेमियों में रोष है। आवेदकों ने कहा है कि वन भूमि को अवैध रूप से काटकर उसे वन भूमि में तब्दील करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। में आए थे थोड़ा सा अपना फेरी घटा के पास गेड़ा भर रहा है जी, वहाँ की जंगल कट गया है और वहाँ कुछ अन्य समाज के लोगों ने जो भी है वहाँ आदिवासी उन लोगों ने जंगल काट के फसल बो दी। मतलब कुछ कर्मचारी हो सकते हैं ऐसे जो, लेकिन साप्ताह अभी हम देने गए थे तो आश्वासन मिला है पूरी तरह से सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे वो। ये कुछ आदमी भी बोला है कि जो भी वहाँ पर अधिकारीगण उपस्थित हैं या उनके भीड़ में जो आता है तो जी, उनके लिए बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और उसको दिखवा के। और उसको अभी तुमने जो आवेदन दिया है सर को हमने भूल दिया है, जहाँ तक प्रथम दृष्टि 250 बीघा तो नहीं हुआ जी, जो भी होगा उसको हटाया जाएगा। बरसात के बाद अगर फसल होगी तो नष्ट की जाएगी जी। उसके बाद में जो भी दोषी होंगे संबंधित भीड़ या डिप्टी कंट्रोल में करेंगे। पूरे जिले के अंदर आंदोलन लगभग 1100 हेक्टेयर जमीन में कराएंगे जी, या तो ऐसी जमीन जो होने वाली थी उसमें खंतियाँ कटवाई गई हैं, या तो जो हो चुकी थी पिछले साल में उसको